press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के सच्चे सिंह लाली सिंह साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। लेकिन सर, टेररिज्म और जिस तरह की बात कश्मीर में हुआ करती है, तो वो तो अंदर से भी तो चेक करना होगा ना। ठीक है, मानती हूँ मैं, पाकिस्तान की तरफ से कई बार लोग गए होंगे और जाते हैं, लेकिन जो अंदर से उठते हैं बुरहान वानी टाइप के लोग, उनका क्या सर? वो भी तो है ना, वो लोग भी तो अपनी तरफ से, जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं, पाकिस्तान जो है वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं, हर एक के लिए उसका मतलब कुछ और है। तो उन लोगों का क्या? वो लोग भी तो आखिर कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर ही रहे ना, जैसे, तो उनको क्यों नहीं आप लोग देखते कि क्या प्रॉब्लम है जो वो इस तरह से उठकर अपनी कंट्री, अपने ही एरिया के खिलाफ बात करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते? हमने देखा, हमने बड़े अच्छे से तफ्तीश की और देखा कि उनको सारा पैसा तो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहा है, उनको जो असला पकड़ा जाता है वो पाकिस्तान से आ रहा है। तो क्योंकि इतना पोरस बॉर्डर है और वहां से उन्हें जब सपोर्ट मिलती है और वहां के जो जो तमाम वहां की जो तंजीमें जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और ओपनली करते हैं, तो फिर ये बात तो होगी ना। क्योंकि हर चीज के तार तो वहीं जाके जुड़ते हैं, बॉम्बे में भी जो हुआ तो उसके तार तो वहीं जाके जुड़े। सर वो तो सही है, लेकिन ओपनली सपोर्ट करना तो और चीज होती है ना। वो तो आप लोग भी बलोचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी केपीके में जो कुछ होता है उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, जगह जगह जो है पैसे मांगता फिर रहे, कभी IMF कभी वर्ल्ड बैंक कभी कहां, और एक तरफ आप कहते हैं कि सारा फंड ही जो है वो कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है। तो सर एक चीज करें ना, या तो हमारे पास पैसा है या तो नहीं है। अगर नहीं, नहीं, नहीं है तो पैसा कैसे भेजा? नहीं नहीं, पैसा है पाकिस्तान, इतना पाकिस्तानी बाहर है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत आता है, तो आधे से ज्यादा तो जर्नैलों की पेंशनों में और सैलरीज में चला जाता है। उसके बाद जो बच बचा जाता है, आप ही मुझे बताइए कितने अस्पताल या कितने स्कूल या कितने IIT या कितने IIM अहमदाबाद या कितने एम्स खोले हैं वहां पे। मतलब मैं तो नदीम सेठी साहब की बात को कोट कर रहा हूँ कि किताबें की दुकानें बंद करके वहां टिक्के बिकने शुरू हो गए हैं। आई एम सॉरी, मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा दुनिया की पॉन्ड की कंजम्पशन ही पाकिस्तान में है, वो भी एनिमल्स के साथ। तो आप देखिए कि जनता किस तरफ जा रही है। आपके कहते तो हैं तारिक साहब भी के इतने लौंडे लपाड़े हैं, इनको बिरयानी और रोटी दो, ये आ जाते कंटेनर के ऊपर कूदने। तो पैसा है, उतना नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज बिल्ड कर सकें। आप देख लीजिए आपके रुपये की क्या वैल्यू और हमारे रुपये की क्या वैल्यू, उसमें से आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना पैसा है, कितनी दफा आप IMF के पास गए उसमें देख लीजिए। तो पाकिस्तान तो एक उधारी जिंदगी जी रहा है। मैं दोबारा से कहूंगा कि 77 साल के पाकिस्तान की शख्सियत जब से आया है, सिर्फ 7 साल आप एक प्रॉफिट मेकिंग रहे हैं, और हमारी कंट्री 4 दुनिया की कंट्रीज में हो गई है जिनका इतना जबरदस्त फॉरेन एक्सचेंज है इस समय। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक दिन में हिंदुस्तान बनेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको अब बैठ के अंदर सबको बात करनी पड़ेगी कि सबसे पहले डेमोक्रेसी लाइए। जब तक आपका गेट नंबर 4 से लोग बनेंगे, जब तक वहां से ऑर्डर आएंगे, जब तक वहां से फिलोसफीज और पॉलिसीज बनेंगी, वो कहां बनेगा? ऑनेस्टली हमारे यहाँ तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। हाँ, वो सूट टाई बहुत अच्छे पहनते हैं, पर हमें पता है कि उन्हें पीछे से ऑर्डर किसने देना है। इमरान खान जी सवेरे पार्लियामेंट में सेवरेबल नेशन का स्टेटस देते हैं, शाम को खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले आप लोग आपस में तो एका कीजिए। मैं एक बात सच बोलूं कि आरजू जी, मैं भी पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूं और देखता हूं, मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में वो ठहराव और वो समझ नहीं नजर आती जो मुझे इंडिया के आती है। क्योंकि यहां तो एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है, कोई स्टेटमेंट दे देता है, शाम को विड्रॉ कर लेता है। मतलब जो नवाज शरीफ दोस्त है हिंदुस्तान का, ये गद्दार है, वो जो नारे लगते हैं, आप डिसाइड तो करो। आप फ्रांस को कहते हो तुम यहां से निकल जाओ क्योंकि तरीके लबैक निकालना चाहता है, फिर आप कहते हो डेनमार्क के अगेंस्ट हम जिहाद कर देंगे। आप पहले सारे जिसके यहां बार बार आपको कहा जाता है सेम पेज पे तो खुद आओ, वो आओगे तो हमें पता चल जाए ना किससे बात करें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू है बताएं, वो कुछ भी कह के चला जाए। एक प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे नहीं लगता कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, अपनी टर्म भी पूरी कंप्लीट की है।
छोटी छोटी चीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर जेल में है कि जो तोहफे दिए वो उठा के उसने घर पे रख लिए, और पिंकी पीरनी जी फोन करके कह रही थी घड़ी यहाँ भेज दो और ये गाड़ी यहाँ रख लो। हमारे यहाँ तो मोदी साहब उसको पब्लिक के लिए ऑक्शन करवा लेते हैं। एक बार मोदी साहब ने सूट पहना था, उसमें राहुल गांधी जी ने ऐसा तंज कटा सूट बूट की सलवार सूट बूट की सरकार कि उसके बाद उन्होंने सूट ही पहनना बंद कर दिया। तो मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में अभी वो ठहराव नहीं नजर आता, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जहां पे कंट्री का नुकसान होता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिलेशनशिप फिर 5 फुट पीछे आ जाता है जहां वो भी 1 फुट आगे आया था। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये कि मोदी जी को घबराना नहीं चाहिए था। अगर राहुल गांधी जी ने उन्हें सूट बूट की बात की थी, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था और वो पहनते रहते। अब आप देखिए ना, डॉक्टर जयशंकर आए थे और जब वो पाकिस्तान उतरे अपने प्लेन से सूट बूट पहन के, तो कितने अच्छे लग रहे थे, सभी उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात से घबराना चाहिए, लेकिन वो जो आप सेम पेज पे कह रहे हैं कि हमारे सारे पॉलिटिशियन सारी एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे आ जाती है, तो सर वो फिर पेज वो फट जाता है, रहता नहीं है, इसलिए ये लोग अलग अलग ही घूमते हैं। मगर कोई ऐसा लास्ट में पूछूंगी, कोई एक सिंगल आपको लीडर हमारे यहाँ, या लीडर तो मैं मानती नहीं कि कोई है, लेकिन ये कि पॉलिटिशियन, कोई ऐसी गवर्नमेंट आपको लगी कभी कि जो पाकिस्तान को संभाल सकेगा, आगे ले जा सकेगा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म कम हो सकेंगी? The absence of establishment. क्योंकि जब तक आपके यहाँ पूरी तरीके से जमहूरियत नहीं आएगी, हम यहाँ पे बोलते हैं बॉन्ड्स है जमहूरियत है पाकिस्तान की, तो जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जर्नैल के लिए अपना इंटरेस्ट सबसे आगे है, उनकी पेंशंस, उनको जो प्लॉट मिले हुए हैं, उनके जो कोई ऐसा जर्नैल नहीं जिसका बच्चा अमेरिका में ना पढ़ रहा हो, वो तो मैं मिला हूं अमेरिका में। तो जब तक आर्मी जिसका काम बॉर्डर पे तैनात होना है, वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगी वापस रावलपिंडी, तब तक ये लगा रहेगा। क्योंकि एक बात को समझो कि जब पाकिस्तान बना तो आपके पास इतनी बड़ी आर्मी आ गई जितने आपके पास पैसे नहीं थे चलाने के, तो आर्मी ने बोला कि हम कैसे जस्टिफाई करें, तो उन्होंने कहा ठीक है हमें एक एनिमी बिल्ड करना है, टू नेशन थ्योरी करके हमने आनंद फानंद में मुल्क तो ले लिया, अब हम कैसे चलाए, कितने साल तो आपका आईन ही नहीं बना, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, अब एक दुश्मन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही सैलरियां देंगे इतनी जर्नैलों की और उन्हें इतने इतने बड़े बड़े घर देंगे, तो आम आदमी तो बोलेगा भाई तो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, जो कि अभी आपके अंदर आ चुका है, इसीलिए जर्नैल साहब का घर लूटा गया था। तो उस समय फिर उन्होंने कहा कि अब हमें एक दुश्मन क्रिएट करना है। अरे तीन वॉर हुई है, वो तीनों वॉर आपने शुरू की, हमने शुरू ही नहीं की, फिर हम काय के दुश्मन है? आपके पॉलिटिशियन इतने बड़े बड़े मेडल लगाते हैं, अरे भाई किससे लड़के जीते हो मुझे ये तो बताओ, कोई लूटो का मैच खेला है, कोई कबड्डी में जीते हो? तीनों वॉर आपने शुरू की, तीनों में आप हारे हो, उसके बाद तो मेडल कहां से है ये मुझे समझ नहीं आता। तो अब हो क्या गया कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी शख्सियत अपनी अहमियत बनाने के लिए हिंदुस्तान को दुश्मन बना के रखना पड़ेगा। अब ये पिछले पहले 50-60 साल 60 साल तो चलता रहा, अब क्या हुआ कि अब सोशल मीडिया आ गया है, अब आम पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा बच्चा है जब वो जाके इंटरनेट पे देखता है कि हमारी सबसे बड़ी सपोज जूतों की कंपनी उसकी टर्नओवर 10 करोड़ है, हिंदुस्तान की 5,000 करोड़ है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो 7 करोड़ की है, हिंदुस्तान की 1.5 लाख करोड़ की है, तो उसे अब सोशल मीडिया से समझ आना शुरू हो गया, क्योंकि आपको तो पीटीआई जो मीडिया था कंट्रोल था कि एंड ऑफ द डे आप तो फैन है संजय दत्त साहब के, तो संजय दत्त साहब की भाषा में बोलूं कि मामू तो पब्लिक का कटा ना, जर्नैलों के घर बनते रहे, जर्नैलों की गाड़ियां इंपोर्ट होती नहीं, मतलब आपके तो ऐसा है कि जर्नैलों की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं जो लंदन से चोरी हुई थी और वो यहाँ पे इंपोर्ट होके कस्टम क्लियरेंस होके अब बिना नंबर के बेंटले चल रही है। तो आपके सवाल के जवाब पे मैं वापस आऊं कि आर्मी का काम आर्मी बैरक्स में होनी चाहिए। मैं बड़ी साफ बात बोलूंगा, मेरे मदर फादर को या मेरे बच्चों को हमारे आर्मी चीफ का नाम नहीं पता, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोल रहा हूँ। आपके यहाँ तो ISI चीफ और जर्नैल इज मच बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता है कि जो भी बाहर से आदमी आता है वो माथा तो वहीं टेकने जाता है, उसको पता है फाइल तो यहीं से क्लियर होनी है। अब आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है तो वो आके प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा ना बात करते, उनको पता है इसने कुछ करना ही नहीं, वो तो आपके जर्नैलों से और आपका जर्नैल वहां जाता है। हमारा तो जर्नैल
बेचारा लफ्ज नहीं कहूंगा मैं, हमारे तो जनरल इतने बढ़िया हैं कि वो दो दो तीन तीन अपार्टमेंट मकानों के घर में रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अपनी गाड़ी चला के वो मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस पे नजर आते हैं, अपना बैग उठा के जा रहे होते हैं। बाकी अब मैं चाहूंगा कि आपकी जनता खुद से जाके सोचे कि आप अपने जर्नैलों को कैसे देखते हैं, जवाब आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। सर बिल्कुल ऐसा ही, आपके रिटायर्ड फौजी तो अगर 5,000 का चलान कट जाए तो वो भी ट्विटर पे रोते हैं, लेकिन हमारे जो फौजी हैं उनका तो चलान कटता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है किसी की, कोई रोक के कहे जी आपने रेड लाइट क्रॉस की है या आप गलत, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, इस तरह की बात कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं कि हमारे फौजियों को रोक के कहे, लेकिन आपके यहाँ ऐसा होता है। लेकिन बहुत कुछ बहरहाल मैं हमेशा कहती हूँ, जिसपे मुझे पाकिस्तान से बहुत लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है भारत से, जिसमें खास तौर पर ये के फौज को फौज का ही काम करना चाहिए जो उनका है, और पॉलिटिशियंस को अपना काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। क्या लास्ट कहूंगा मैं कि मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान अपनी जिंदगी जिए, अपने लिए करे, बस हमारा कश्मीर जो है सब वापस कर दे और उसके बाद अपने हिसाब से काम करे। आप अपनी जिंदगी, आपको मुबारक और हमें अपनी मुबारक हो। सर देखते हैं क्या होता है, बहरहाल इतना आसान नहीं है ये जितना आपको लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और लाली सिंह साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर जब इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और लाली सिंह साहब ने पाकिस्तान को सुधरने की हिदायत दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।